हाय गाइस, तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क का रिव्यू। ये है वाव स्किन साइंस की तरफ से। ये है इसका पैकेजिंग, इसका रिव्यू और इसका डेमो दोनों ही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इतना मैंने इसे यूज़ किया, आप देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके मैं दो तीन यूज़र्स भी आपको बताने वाली हूँ कि किस किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है इसकी पैकेजिंग। आप देख सकते हैं प्लास्टिक का कंटेनर है ये, एंड वाव के बहुत सारे प्रोडक्ट का इसी तरह का पैकेजिंग आपको दिख जाएगा। ये है इसकी फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ये है वाव स्किन साइंस का सनफ्लावर बायोलिपिड्स एंड आर्गन ऑयल हेयर मास्क। आपको वाव में मतलब बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाएंगे। आप अपने बालों के हिसाब से ले सकते हो, अगर डैंड्रफ है तो उस हिसाब से ले सकते हो, बाल अगर ऑयली है तो इस हिसाब से ले सकते हो, ड्राई है तो ये वाला ट्राई कर सकते हो। मतलब बहुत सारे आपको रेंज मिल जाएंगे, आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से इजीली वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइज, ये तो आपको पता ही है कि वाव के सारे ही प्रोडक्ट केमिकल फ्री होते हैं। इसमें हार्मफुल केमिकल लाइक पैराबिन, सिलिकॉन, सल्फेट नहीं होते हैं, मिनरल ऑयल फ्री होते हैं और ये इजीली अवेलेबल होते हैं हर एक साइट पे जहाँ पे हम नॉर्मली शॉपिंग करते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, वो सारी जगह पर ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी आप वाव के जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे जाके शॉपिंग अगर करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे और ऑफर तो चलते ही रहते हैं, तब वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर आप चेक करना। तो ये है सनफ्लावर बायोलिपिड्स एंड आर्गन ऑयल हेयर मास्क फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर। ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, सिल्की और मैनेजेबल बनाता है। इसी के साथ बालों को ग्लॉसी भी बनाता है और डैमेज हेयर को भी रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो आपको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको शैम्पू करके अपने बालों को वॉश कर लेना है, उसके बाद टॉवल ड्राई करने के बाद आपको हेयर मास्क लगाना है। कभी भी गंदे बालों पर हेयर मास्क नहीं लगाना है, हमेशा क्लीन बालों पर ही हेयर मास्क लगाया जाता है। आप चाहो तो शैम्पू कर जिस दिन आपने किया उसी दिन हेयर मास्क लगा सकते हो, या फिर नेक्स्ट डे लगा सकते हो। बालों को हल्का सा गीला करने के बाद इसे आप पूरे बालों पे अप्लाई कर लो, उसके बाद फिंगर की हेल्प से जिस इस तरह से फिंगर कोम्ब आपको करना है ताकि पूरे बालों में स्प्रेड हो जाए ये हेयर मास्क, एंड उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। 15-20 मिनट बाद आपको धो लेना है। तो आप चाहो तो आप गर्म पानी में टॉवल डिप करके स्टीम भी ले सकते हो इस 15-20 मिनट में। तो डेमो तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ एंड आपको किस वे में इसे यूज़ करना है। इसके अलावा मैं बता दूँ कि मैं और एक तरीके से कैसे इसे यूज़ करती हूँ। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ एज अ कंडीशनर। मान लीजिए आपको हेयर मास्क लगाना है एंड आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप 15-20 मिनट वेट करें, इसे आप कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आपको शैम्पू अप्लाई करने के बाद जिस तरह से आप कंडीशनर लगाते हैं तो कंडीशनर को स्किप करके आप ये वाला प्रोडक्ट लगा सकते हो कंडीशनर की जगह पे, और आपको बस 5 मिनट के लिए रखना होता है जिस तरह से हम नॉर्मली कंडीशनर लगाते हैं, एंड आपको 90% हेयर मास्क वाला ही इफेक्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कंडीशनर की तरह यूज़ कर सकते हो, एंड जिस दिन आपके पास टाइम हो उस दिन आप इसे 15-20 मिनट के लिए रख सकते हो, स्टीम भी ले सकते हो। तो ये जो पैकेजिंग है ये 200 ml का टब है, इसका प्राइस है 549 rupees, और इसके आपको 2 साल के सेल्फ लाइफ भी मिल जाती है। शैम्पू अप्लाई करने के नेक्स्ट डे मैं हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, एंड यहाँ पे मेरे बाल आप देख सकते हो थोड़े थोड़े गीले हैं क्योंकि दोबारा से मैंने पानी से अपने बालों को वॉश कर लिया था और टॉवल ड्राई कर लिया था। एक्सेस वाटर रिमूव होने के बाद जब बाल आपके थोड़े थोड़े गीले हैं उस वक्त आपको लगाना है हेयर मास्क, एंड आप देख सकते हो कि मैंने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, एंड छोटे छोटे पार्टीशन क्रिएट करने के बाद, छोटे छोटे पार्टीशन लेने के बाद मैं उसमें हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ। हेयर एंड में यानी नीचे आपको बहुत अच्छे से हेयर मास्क को अप्लाई करना है क्योंकि वहीं पे 2 मुहे बाल हो जाते हैं, डैमेज ज़्यादा वहीं पे होते हैं, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। आपको पूरे बालों पे उसे स्प्रेड करवाना है, एंड फिंगर कोम, फिंगर की हेल्प से आपको बालों को डिटैंग करना है, जो टैंगल्स हो जाते हैं उसे हटाना है। छोटा छोटा सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ले रही हूँ एंड उसमें अपना हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ, कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है। ओके, अब मैं आपको ब्रांड के बारे में बता देती हूँ गाइस। ब्रांड है वाव स्किन साइंस, एंड सबको पता है कि ये केमिकल फ्री ब्रांड होता है। इसमें सिलिकॉन, पैराबिन, मिनरल ऑयल, सल्फेट फ्री ब्रांड होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंडियन ब्रांड है। तो अगर आप एक हेयर मास्क लेने की सोच रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगी कि आप ये वाला हेयर मास्क ट्राई कर सकते हो। बालों को बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की एंड मैनेजेबल बनाने में हेल्प करती हैं ये,
एंड यहाँ पे आप दोनों तरफ का डिफरेंस भी देख सकते हो, जिस साइड पे मैंने हेयर मास्क लगाया है एंड जिस साइड पे अभी लगा रही हूँ। जिस साइड पे मैंने हेयर मास्क लगाया है वो ऑलरेडी मतलब इतने ज़्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। इसके बाद आपको बस आप 15-20 मिनट के लिए रखना है एंड उसके बाद आपको वॉश कर लेना है बालों को, बस इतना ही है प्रोसेस। वाओ के प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, 100% वेगन होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनकी पैकेजिंग इको फ्रेंडली होती है। किसी भी एनिमल पर टेस्ट नहीं किया जाता है और इसमें यूज़ किया जाने वाला वाटर हिमालयन स्टीम से लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट के QR कोड को स्कैन करते हो तो उससे आपको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।